हेलो गाइस, कैसे हो? तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि भाई मैं 10 साल काम किया हूँ या 8 साल काम किया हूँ या 4 साल 5 साल, ऐसा करके बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि भाई मैं काम किया हूँ और मैं लॉकडाउन में चला आया था इंडिया, फिर मेरा कंपनी को, मतलब मेरे कंपनी ने मुझे पैसा नहीं दिया, बट वो पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ और क्या इसका प्रोसीजर है? तो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को ऐसे पैसा मिला है, तो आपको भी मिल सकता है, मगर आप ये तरीका अपनाओगे तब, क्योंकि आप लोग, जो लोग ऐसा नहीं हुआ है वो लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि शायद हम लोग के साथ भी ऐसा हो जाए कि हम लोग अपने कंट्री जाए और पता चला कि हम लोग को कंपनी बुलाए नहीं और पैसा हम लोग को ना दे, तो कैसे पैसा कंपनी से ले सकते हैं। तो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वाला हूँ दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो भी मैं वैकेंसी रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए, बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ उसका रिप्लाई कर दूँ वीडियो बनाकर। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आप ले सकते हो। और जो भी सवाल है दोस्तों, चलता है वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कर रहे हैं, मान लिया आप 2 साल काम किए या 4 साल या 5 साल, और हम लोग चले गए 10 साल आप काम किए चले गए, ठीक है। जाने के बाद, आप जाने के टाइम बहुत सारा कंपनियाँ तो पैसा देती है, मान लीजिए लिप सैलरी दे दी या टिकट का दे दिया या आपका जो भी 2-3 महीने का सैलरी रोकता है वो दे दिया, बहुत सारा कंपनियाँ नहीं देती है। और 12 लाख आप चले गए और फिर वापस कंपनी नहीं बुलाया, आपका वीज़ा भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 6 महीना तक आप रख गए तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप कैसे ले सकते हो? तो 12 लाख आप एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप दुबई में ही हो और दुबई से ऐसा हो गया, तो आप सबसे पहले दोस्तों या तो विजिट में आओ या तो फिर दूसरी कंपनी में आओ काम करने के लिए। आप अगर चाहो तो उस जिस कंपनी में आप काम किए हो दोस्तों, अब आपका जो बेनिफिट नहीं मिला है तो आप गवर्नमेंट में कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन कैसे करना है दोस्तों, आपको सीधा कोई भी ये मोहरे में कॉल करना है, मोहरे का नंबर शायद आपको मालूम होगा, अभी नंबर चेंज हो गया दोस्तों, बट आप कॉल करोगे एक नंबर पे, वही नंबर जो मैं बार बार बताता हूँ 800-60, इस पर आप कॉल करोगे तो जैसे ही कॉल करोगे तो वो लोग बताता है नंबर चेंज कर बताएगा, तो वो नंबर भी बताएगा कि कौन सा नंबर पर आप कॉल करना है, अरबी में भी बताता है और इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में आपको बताएगा इसलिए आप समझ सकते हो। तो वो नंबर लेके मोबाइल पे जैसे ही लगाओगे तो वो लोग बोलता है कि नंबर चेंज, तो अरबी में बताएगा मतलब किस नंबर पे आपको कॉल करना है, और इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में आप लिख लो कौन सा नंबर बताया, फिर उस नंबर पर कॉल करके बताओ अपना समस्या कि सर मैं इतना दिन से इस कंपनी में काम किया था, मैं इंडिया में 6 महीना रहा, साल भर रहा, बट मेरा जो भी पीएफ का जो भी पैसा है, जो भी ग्रेजुएटी है, या मेरा इतना महीना का सैलरी पेंडिंग था वो कंपनी नहीं दिया, तो 110% दोस्तों कंपनी के पास कंप्लेन जाएगा। और कंपनी का नंबर जरूर अपने मोबाइल में रखना दोस्तों, क्योंकि वो लोग कंपनी का नंबर मांगते हैं, या तो ऑफिस का नंबर मांगेंगे या तो ऑनर का नंबर मांगेंगे, तो वो नंबर मांगेंगे और उसको वो लोग, आप दे देना अपना डिटेल भी बता देना जो भी हकीकत है, और सच बोलना दोस्तों, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो फिर आप फंसोगे, जो रियल है वही जानकारी आपको उन लोग को देना, वो लोग बहुत अच्छे तरीक़े से बात करते हैं, तो आपको सारा पैसा वो लोग दोस्तों इजीली दिलवा देंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा मिला है दोस्तों, मैं ऑलरेडी दुबई से वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा ही नहीं सोच समझ के बना रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को ऐसा मिला है, तो ये तरीका से भी आप आजमा सकते हो, आपको मिल सकता है दोस्तों। तो जो नॉलेज था दोस्तों जस्ट मैं आप लोग के साथ शेयर किया कि ताकि इससे कुछ हमारे वर्कर भाई को कुछ बेनिफिट हो सके। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक गुड बाय।